नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा का सदुपयोग। लाइटिंग सिस्टम में हम एनर्जी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि हम बिजली का सही से इस्तेमाल करें तो इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। और सेकंड आता है कि आप पैसे की बचत कर सकते हैं, मतलब कि काफी बेनिफिट है आप यदि प्रकाश लाइटिंग सिस्टम को सही से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अपने घरों या कार्यालयों में कहीं ना कहीं कुछ बिजली के उपकरण जरूर देखे होंगे जो क्या है कि लाइट से चलाए जा रहे हैं। यदि हम उनका सही से इस्तेमाल करें तो हम एनर्जी या विद्युत की बचत को कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि भवन का निर्माण किया जाता है तो आप इंसुलेशन या इंसुलेटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवालों में थर्मोकोल को लगा सकते हैं जिससे क्या होगा कि दीवारें गर्म ना हो। सेकेंड, प्राकृतिक प्रकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जहां तक आपको लाइट की जरूरत ना पड़े आप नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, जहां पर आप जो फिलामेंट या कांच के बल्ब आते हैं उसकी जगह आप CFL या LED का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच ऑफ करके रखें, उपयोग ना होने पर प्लग निकाल दें। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार कि हम लोग स्विच से ऑन या ऑफ करते हैं लेकिन प्लग लगा हुआ रहता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जब प्लग लगा रहता है तो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा होता है। तो क्या करेंगे कि जरूरत है तब तक आप प्लग को ऑन रखेंगे, जरूरत नहीं तो आप प्लग स्विच को ऑफ करके प्लग को निकाल देंगे। और उपकरणों पर निर्भरता कम करेंगे, मतलब हम अपनी जो डिपेंडेंट रहना है इंस्ट्रूमेंट के लिए तो उसको भी कम करना है। और यदि हमें गर्म पानी नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो क्या करेंगे कि धूप से जो सूर्य की सनलाइट से जो प्रकाश आता है उससे पानी को गर्म कर सकते हैं। एयर कंडीशन का प्रयोग कम से कम करें, सर्दियों के दौरान अपने घर पर तापमान को कम रखें, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करें और स्टार रेटिंग वाले इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें रेटिंग रहती है 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें से हम लोग बात करेंगे कि यदि हम प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करते हैं तो कैसे करेंगे। अपने घर के पर्दों को खोलें, घर में सूरज की रोशनी को आने दें, क्योंकि सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरण होती है जो कीटाणुओं को मारने की उनमें क्षमता होती है। जब तक संभव हो सके कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर होने की बजाय प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया जाए। आप प्रतिदिन बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। आप ऐसा प्रत्येक जगह कर सकते हैं जैसे कि घर, कार्यालय और प्राकृतिक प्रकाश से कार्य क्षमता में सुधार आता है। अपने कार्यस्थल का चयन इस प्रकार करें कि वहीं पर अधिकतम प्रकाश इस्तेमाल करें। जैसे कि यदि हम घर में पढ़ रहे हैं तो रात का समय है, यदि हम पूरे एरिया में रोशनी का इस्तेमाल ना करके जहां पर हमें बुक रखनी है और जहां पर रीडिंग करनी है वहां पर टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकती हैं। सेकेंड आता है कि यदि बल्ब के स्थान पर आप CFL या LED का इस्तेमाल करते हैं तो 98% आप एनर्जी की खपत को रोक सकते हैं। मतलब क्या है कि 98% आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी की खपत को रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा कि एक 10 वाट का बल्ब आता है और उसी जगह बल्ब आते थे 100 वाट के बल्ब की जगह आप
10 एलईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और 10 का यहाँ पर रेशियो उत्पन्न हो जाता है। तो ये समझिए कि आपकी कुछ ना कुछ लाइटिंग की सेविंग हो रही है, एनर्जी सेविंग हो रही है। बत्तियों को बुझा कर रखें, जरूरत है तो आप इस्तेमाल कीजिए, यदि जरूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ करके रखेंगे। पुराने उपकरणों की जगह नए उपकरणों का इस्तेमाल करें, क्योंकि नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जहां पर आप पुराने 5 साल या 10 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आप न्यू स्टार रेटिंग वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पुराने उपकरणों को निर्माण किया जाता है, तब कंपनियां बिजली के बारे में चिंतित नहीं थी। नए मॉडलों को ऊर्जा संरक्षण के लिए तैयार किया गया है, जिससे घरेलू लागत कम होती है। यदि आपके पास कोई पुराना फ्रिज, बिजली का स्टोव, ओवन, डिशवाशर या ड्रायर या अन्य कोई उपकरण है, तो उसकी जगह नया उपकरण खरीदें, क्योंकि ये भी आपकी जो एनर्जी सेविंग में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्टार रेटिंग वाले इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और आप इंस्ट्रूमेंट पर अपनी निर्भरता को कम कीजिए, जैसे कि धुले हुए कपड़ों की संख्या पर नियंत्रण रखें, मतलब कम से कम कपड़े गंदे हों, कम से कम सफाई करनी पड़े, आंगन में कपड़े सुखाने की व्यवस्था करें, ऐसा नहीं कि आप ड्रायर से कपड़ों को सुखा रहे हैं। कपड़े धोने के लिए आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करके फिजिकली कपड़ों को धो सकते हैं। छोटे उपकरण कम रखें जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि हमारी विद्युत की बचत करती हैं। अपने घरों को इंसुलेटेड करें। इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरवाजे व खिड़कियों को अच्छे से सीलिंग करें। ऊर्जा में काफी बचत होती है। इंसुलेशन से गर्मी के दौरान आपके घर से ठंडी हवा बाहर जाएगी और सर्दियों में गर्म हवा अंदर से बाहर चली जाती है। तो इसलिए क्या करें, प्रॉपर पैकिंग हो। जैसे कि आपने देखा कि एसी तो आप चला रहे हैं, लेकिन दरवाजे में लीकेज है, तो क्या होगा कि वहां से ठंडी जो अंदर की हवा, ठंडी हवा है, वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, और साथ में इंसुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवारों को ऐसा करें कि जहां से वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करें, हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करें। किसी अच्छे जानकार से घर का इंसुलेशन कराएं, ताकि उसकी फिटिंग में कोई चूक ना रहे। अपनी चौखट, खिड़कियां और खिड़की के एयर कंडीशन के आसपास कला पट्टी और मौसम पट्टी का प्रयोग करें। घरों की जो छत होती है, उस पर समोसम आप पेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो आपके हीट को दूसरी तरफ जाने से रोकता है। कम गर्म पानी का प्रयोग करें। अगर आपको जरूरत है नहाने की है, तो आप ज्यादा गर्म पानी की जगह आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं। इसके प्रति जागरूक रहने से नहाने में कितने गर्म पानी की आवश्यकता है और कितना गर्म पानी किया जा सकता है, आप काफी बिजली व पैसा बचा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी वाटर हीटर इंसुलेटेड हो, ताकि बहुत ज्यादा गर्मी बाहर ना जाए। एक ऐसा वाटर हीटर खरीदने पर विचार करें जिसमें इंडिकेटर लगा हो।